किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन का भाव में क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, उसका मुझे कुछ कारण मिला है। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी वो कारण बता देता हूँ। चीन के माल से, चीन से जो कुछ लहसुन आया है वो किस प्रकार से आया है, उसकी मार से जो व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें ताकि मैं आपको सारी बातें समझा दूं। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास के घंटी के निशान पर भी ज़रूर बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकते। दोस्तों, एक और मेरे से विनती है आपसे कि दोस्तों, मैंने एक और नया चैनल बनाया है मंडी भाव के नाम से, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ताकि आप वहाँ से ले और मेरे मंडी भाव चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अभी हाल फिलहाल देख ही पा रहे हो मंडियों में, और व्यापारी से सुन नहीं पा रहे हो कि अभी लहसुन का भाव क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लहसुन के भाव में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसका कारण आपको पता नहीं होगा, तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे राज्य हैं, चाइनीस, नेपाली, पाकिस्तानी, तो उनसे कुछ चोरी छुपी माल हमारे भारत में प्रवेश करवाए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो अपने चाइनीस माल आने के कारण अपना जो देसी लहसुन है उसका भाव हमको कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत में लहसुन बहुत ही कम बचा हुआ है, जिससे कि भारत में पूर्ति नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए भाव इतना 20,000 तक पहुंच रहा है, जिसके चलते जो अभी मैंने नेपाली, पाकिस्तानी, चाइनीस माल अपने भारत में प्रवेश करा रहे हैं, जिससे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। क्योंकि दोस्तों, चाइनीस माल आपने नहीं देखा होगा, अगर किसी ने देखा भी होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़ोरदार है। उसकी क्वालिटी के आगे, चाइनीस माल की क्वालिटी के आगे अपना जो देसी लहसुन है वो बहुत ही फीका है। अगर चाइनीस माल पड़ाएँ एक तरफ और इधर देसी माल पड़ाएँ लहसुन, तो जो लेने वाला खराब होगा वो चाइनीस माल को ही खरीद के देगा। क्योंकि इसकी खासियत यही है कि वो माल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिलता है, जिसके चलने के कारण जो अपना देसी लहसुन का भाव है वो बहुत ही गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण यही है। अभी नेपाली बॉर्डर पर चाइनीस माल की 400 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जो वो भारत में आएगी, जिससे कि भाव गिरने की बहुत ही बड़ी संभावनाएं अभी दिखाई दे रही हैं। सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। सरकार अगर इस पर प्रतिबंध लगा देती है तो आपको आगे आने वाले समय में लहसुन का भाव बहुत ही ज़ोरदार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कारण मैंने बता दिया है, चोरी छुपे माल आ रहा है। सरकार ने अभी तक लहसुन के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया है कि आप इसको आयात करता है। कुछ खबरें आ रही थी, कुछ व्यापारी अफवाहें फैला रहे हैं कि चीन से लहसुन आयात होने लग गया है, इसलिए भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लहसुन के भाव में चीन से जो लहसुन का नहीं आ रहा है, चीन से कोई भी लहसुन नहीं मंगाया गया, ये खुद अफवाहें फैला रहे हैं व्यापारी। दोस्तों, भाव गिरने के कारण वो यही समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने चीन से आयात करने लग गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रतिबिंध क्षेत्र से गाड़ियाँ आ रही हैं, जिस पर सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। रोक नहीं लगाने के कारण ही इतना भाव नीचे देखने को मिल रहा है। जो लहसुन अपना 20,000 बिक रहा था वो अभी हाल फिलहाल 15,000 पर आ चुका है, जो 15,000 था वो 12,000 पर आ चुका है। तो इसका कारण यही है। अगर दोस्तों सरकार इस पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा देती है तो आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही लहसुन में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिलेगी, और अगर प्रतिबंध नहीं लगाती है तो आपको भाव में बहुत ही कम तेज़ी देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी दिख रही है। तो ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ खुद की मैं कि आगे आने वाले समय में लहसुन में तेज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार के ऊपर है। अगर भारत सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देती है तो आपको ज़ोरदार भाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमको आगे आने वाले समय में भारत सरकार आयात करेगी लहसुन का, तो हम आपको जल्दी से जल्दी इसके बारे में बता देंगे।
तो किसान भाइयों, यह जानकारी मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से धन्यवाद।